हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रसोई घर। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मटर और गाजर का अचार, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है और बनाने में भी बहुत ही आसान है। तो अभी ठंडी के दिन में गाजर और मटर दोनों ही बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस अचार की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम गाजर ली है और इसे मैंने छील के और मैंने इसे लंबा लंबा इस साइज में काट रखा है। और काटने के बाद मैंने इसे एक घंटे के लिए कपड़े पे धूप में फैला दिया था, जिसके साथ सारा पानी सूख जाएगा। और यहाँ मैंने 250 ग्राम मटर ली है, इसके दाने मैंने निकाल के रख रखे हैं। एक चम्मच हल्दी पाउडर, 3 चम्मच नमक लिया है, 3 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच हींग, 2 बड़े चम्मच तेल के लिए है, आप सरसों का तेल भी यूज कर सकते हैं। 1 चम्मच मैंने सौंफ का लिया है, उसे कूट रखा है। 3 चम्मच मैंने सरसों दाल ली है और 3 चम्मच मैंने राई दाल ली है। तो ये ऑप्शनल है, यदि आप राई दाल का टेस्ट पसंद करते हैं तो ही डालें। और इन सब का मेजरमेंट मैंने इस चम्मच से किया हुआ है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक साफ बर्तन लेंगे और उस बर्तन में हम सारी गाजर डाल देंगे और इसी के साथ हम मटर भी इसमें मिला देंगे। और अब एक एक करके हम सारे मसाले इसमें डालेंगे। यहाँ पर नमक आप स्वाद अनुसार भी ले सकते हैं, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, सरसों दाल, राई दाल, सौंफ, हींग। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गाजर मटर के साथ ये सारे मसाले हम अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए, मैंने सारे मसाले अच्छे से मिला लिए हैं यहाँ पर। अब हम इसमें जो हमने तेल लिया था, वो तेल मैंने पहले से ही गरम करके रख रखा था और ठंडा किया हुआ है। अब हम इसमें ये तेल डाल देंगे। 2 बड़े चम्मच तेल का लिया है मैंने। और गाजर और मटर और मसाले में हम तेल अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करना है सारा मसाला हमें गाजर और मटर में। तो ये सारे मसाले मैंने इसमें अच्छे से मिक्स कर दिए हैं, तेल भी मिक्स कर दिया है मैंने। तो अब आप चाहें तो इसमें एक नींबू का रस भी डाल सकते हैं, इससे भी गाजर और मटर के अचार में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। थोड़ा सा खट्टा टेस्ट अच्छा लगता है इसका। तो अब आप इसे एक सूखी साफ कांच की बरनी में भरकर 2 दिन के लिए आप धूप में रख दें। तो 2 दिन के बाद ये अचार बनकर तैयार हो जाएगा खाने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी।